अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी इधर कॉपी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड पी ऑफ -2। यहाँ पे एक तरीके से आपको x की वैल्यू दी हुई है -2, जो कि आपने सवाल में इस क्वेश्चन में पुट करनी है और उससे आपका आंसर आ जाएगा। पॉलीनोमियल ऑफ x यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपने पॉलीनोमियल ऑफ -2 एक तरीके से फाइंड करना है। तो चलें क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं नीचे। अब देखें, जहाँ जहाँ x है सवाल के मुताबिक, वहाँ वहाँ हमने -2 रखना है। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहले 2 आ जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ब्रैकेट पे आपके पास एक्सपोनेंट हो तो आप वो पहले सॉल्व करेंगे, ना कि आप इस कोफिशिएंट को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ब्रैकेट में नेगेटिव साइन हो, ठीक है, पॉजिटिव होता है तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन ध्यान इधर रखना पड़ेगा हमें कि अगर आपके पास नेगेटिव साइन है और उस नेगेटिव साइन के ऊपर इवन पावर है, ठीक है। फिर दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, अगर ब्रैकेट में कोई साइन नहीं है तब तो बहुत इजीली आप जो है वो पावर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव साइन होगा तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन के ऊपर अगर इवन पावर है तो वो नेगेटिव साइन जब आप सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव साइन के ऊपर ऑड पावर होगी तो जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो वो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। किस तरीके से, ये देखें, देखिए आप इसको ऐसे भी यहाँ पर रफ में लिख के देख सकते हैं कि -2 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। ये देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और इस तरीके से भी इस बात को अपने जहन में आप रख सकते हैं कि अगर नेगेटिव साइन के ऊपर इवन पावर होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने 2 को जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16। तो यानी कि यहाँ पर सॉल्व करने के बाद प्लस 16 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 3। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि नेगेटिव साइन के ऊपर अगर ऑड पावर होगी तो साइन नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। और आप इसको ऐसे खुद भी चेक कर सकते हैं इधर लिख कर, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2 माइनस 5, ठीक है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 2 32, प्लस माइनस माइनस, 3 8 24, थर्टी टू में से आप ये देखिए, ये प्लस का है 32 और ये है 24 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 32 में से आप 24 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। अब लास्ट में आप 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ये आपका है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 को मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ, ईजीली हो जाएगा सॉल्व। देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में है s इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, उसमें लिखा हुआ है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद
सवाल में आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, ठीक है, आपने एस की वैल्यू निकालनी है व्हेन एन इज इक्वल्स टू 5, फिर यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उसके मुताबिक उनकी वैल्यूज दी है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग दोबारा से कॉपी कर लेंगे। एन की वैल्यू है 5, ए के साथ हम रखेंगे 2, ठीक है, ये 5/2 जो है वो एज इट इज रहेगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस, अब ये देखिए 5 में से आप 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और ये बाहर 3 इसके साथ आ जाएगा। अब 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा 12। बज़ाहिर सवाल जो है वो मुश्किल लग रहा था लेकिन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, 12 में आप 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। ब्रैकेट हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, और ये फिर क्रॉस में कैंसिलेशन हो जाएगा, 2 1 2 2 8 16, और ये ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। 5 8 क्या आ जाएगा 40, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एस आपने इसके अंदर से फाइंड करना है, वेरिएबल्स की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है। वी नॉट की जगह आप जो है वो 0 पुट कर देंगे, टाइम की जगह आप 4 रख लेंगे, ए आपके पास 5 दिया हुआ है, और अगेन टी की जगह आप 4 रखेंगे और बाहर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 0 से आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1/2, इसके साथ आ जाएगा 5, अब ये 4 4 क्या हो जाएगा 16, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्रॉस में इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2 2 8 16, अब ये हो जाएगा 5 8 40 मल्टीप्लाई होके, ठीक है, और 0 में आप 40 प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 40 ही रहेगा, ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे इसी उम्मीद के साथ, तो जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स में इसको जो है वो शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलें मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।